नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सहदेवी के तांत्रिक उपयोग और फायदे। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। भूत प्रेत व ग्रह बाधा हेतु दाहिने हाथ पर सहदेवी के कोमल मूल को सफेद धागे में बालिका द्वारा बांधने पर ज्वर भूत प्रेत और ग्रह बाधा दूर होती है। वास्तु दोष निवारण हेतु यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है जिसके कारण आपका परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है तो घर के पूर्व या उत्तर दिशा में सहदेवी का एक पौधा लगाएं और नियमित धूप और दीपक से उसकी पूजा करें। इससे वास्तु दोष का शमन होता है और घर में समृद्धि व खुशहाली आती है। सुखपूर्वक प्रसव के लिए सहदेवी का उपयोग काकचंडीश्वर तंत्र में वर्णित है कि सहदेवी चतुर्दशी या कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन गर्भवती महिला की कमर के चारों ओर धागे में बांधने से सुखद प्रसव हो जाता है। काम करने की अनिच्छा किसी भी कार्य में यदि किसी व्यक्ति का मन नहीं लगता हो तो सहदेवी की जड़ को पुष्य नक्षत्र में अभिमंत्रित करके पास रखने से उसका मन काम में मन लगने लगता है। धन वृद्धि हेतु सहदेवी के पौधे की सिद्ध जड़ को लाल रेशमी चमकदार कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती और यह लगातार बढ़ता जाता है। अनाज भंडार यदि सहदेवी की जड़ रसोई या अनाज भंडार गृह में शुद्ध स्थान पर रखी जाए तो कभी भी भोजन की कमी नहीं होती है। कोर्ट कचहरी या किसी अन्य विवाद के समय अगर कोई कोर्ट कचहरी या किसी अन्य विवाद में फंस जाता है और फैसला आने वाला है तो सहदेवी की सिद्ध जड़ को दाहिने हाथ में बांध ले या जेब में रख ले, निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होगी। सामाजिक सम्मान हेतु सहदेवी के पंचांग का चूर्ण बनाकर तिलक करने से तीव्र आकर्षण होता है। किसी सभा में इसका तिलक लगाकर जाने से लोग आपके वश में हो जाएंगे। सहदेवी के पौधे के पंचांग का चूर्ण जीभ पर लगाने से वाक सिद्धि होती है, हजारों लोग आपकी बात सुनते रहेंगे। इस पौधे की जड़ से बना काजल लगाने से आप जिस किसी के भी सामने जाएंगे वह आपकी ओर आकर्षित होगा। सहदेवी के पौधे को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर पान में डालकर खिलाने से व्यक्ति विशेष आपके वशीकरण पाश में बंध जाएगा। रोग निवारण हेतु सहदेवी की जड़ को दाहिने हाथ में बांधने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शत्रुता निवारण सहदेवी की जड़ का तिलक लगाने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सहदेवी और अपामार्ग के रस को लोहे के बर्तन में रखकर अच्छी तरह मिलाकर घोटकर फिर उसका माथे पर तिलक लगाकर दुश्मन के सामने जाने पर शत्रु आपके समक्ष आत्मसमर्पित हो जाता है। नोट, वैद्य किए और तंत्र विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार ही दवा और नुस्खे का प्रयोग करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कृपया वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।